गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आओ आप लोग अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जस्ट मेरा ऑफिस का मीटिंग ख़त्म हुआ है और आज सुबह से इतनी बारिश चल रही है कि मैंने ऐसा लग रहा है कि रात हुई हुई है यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ और मुझे इतनी नींद आ रही है मैं सुबह उठा उठते ही मैंने मीटिंग ज्वाइन की और इतना नींद आ रहा है और मेरा अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो अभी हम क्या करते हैं नई मशीन हमने बाय की है बट इसको हिट करने के लिए हमको दो मिनट तक इसको ऑन करके रखना पड़ता है जब तक ये रेडी नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करते हैं ना ये जो राइस है जो कि हमने कल बाय किया था जो अभी हम रख देते हैं बॉक्स के अंदर क्योंकि हुआ ऐसा था ना कि लास्ट वीक मैं एक्चुअली जो राइस है वो एक पैकेट फोड़ के टेबल पे रख देता हूँ और जब भी मैं राइस बनाता हूँ तो मैं वैसे ही लेके राइस कुकर में डाल देता हूँ और पैकेट ऐसे खुला रहता है तो जो दरवाजा मेरे पीछे आप देख रहे हो मैंने एक दिन खोला एक खुल के वो चावल उसके बाजू में रखे हुए थे पूरे चावल गिर गए और वन थाउजेंड इन का मेरा नुकसान हो गया मुझे सारे चावल फेंकने पड़े तो मैंने लाया दोस्तों ये वाला राइस का बॉक्स जो कि यूजली जापान में यूज़ करते हैं इस तरीके से इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है रखना चावल तो अभी हम क्या करेंगे ना ये चावल का पैकेट फोड़ के डाल देंगे इसके अंदर पे आप किसी भी जैपनीज के घर में चले जाओगे ना तो आपको जैपनीज़ राइस कुकर ये आपको सबके घर में मिल ही जाएगा जैसे हमारे इंडिया में होता है राइस कुकर वो रिसल वाले होते हैं एल्यूमिनियम के राइस कुकर वैसे जापान में आपको ऑटोमेटिक राइस कुकर मिल जाएंगे तो जब मैं जापान में आया था फर्स्ट टाइम तो पहले दिन मैंने राइस कुकर खरीद लिया था चावल दिखा देता हूँ मैं आपको इंडिया के चावल तो पता होंगे ना बासमती चावल होते हैं लंबे वाले यहाँ के चावल देखो इस तरीके से तो छो, काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं तो ये जो आप अगर सोचोगे कि ये चावल हमारे इंडियन राइस कुकर में बनाना है तो ऑफकोर्स ये चावल हमारे इंडियन राइस कुकर में नहीं बनेंगे इसको बनाने के लिए यहाँ का जैपनीज कुकर होता है ना वो ही यूज करना पड़ेगा अभी लगा देते हैं जैपनीस राइस खाना बनाना पड़ेगा अभी तो ये डालते हैं हम अभी दो कप ये इस कप मिलता है साथ ही में डाल दी है राइस और अभी हम इसको वॉश करने वाले हैं और ये है हमारा जैपनीज कुकर, इसके अंदर हमने रख दिया अभी ये पैन और ये जो आप देख रहे हो सारे बटन वगैरह इसमें जैपनीज में लिखा हुआ है और ये जो है लाल कलर का बटन ये ऑन ऑफ का है और ये ऑन करने का है और अब इसको लगने वाले हैं ऑलमोस्ट 63 सिक्सटी थ्री मिनट्स चावल बनने के लिए मशीन हो चुकी है अभी रेडी और अभी हमने इसके अंदर डाला है हमारा एस्प्रेसो का कॉफी जो कि अभी हम इसके अंदर इसको लॉक करने वाले हैं हम्म hmm. मज़ा आ जाता है इसमें जो तो शॉर्ट पीने के बाद में दोस्तों ये ए बी सी मार्ट से मैंने कुछ ऑर्डर किया था ये जाके डिलीवर हुआ है तो थोड़ी देर बाद में हम इसको भी अनबॉक्स करेंगे आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या लाया है और ये देख लो अभी भी ड्रिजलिंग चल रही है हल्की सी बारिश चल रही है वैसे आपको कैमरे में जो दिखने वाला है नहीं बट देख रहे हो इसके ऊपर आपको पानी के बूंद दिख रहे हैं तो रात से बारिश चल रही है और बारिश में अभी हम पेरे हमारी कॉफ़ी पर मैंने कल जो वो कपड़े सुखाए थे कुछ आ, पूरे गीले हो चुके हैं थैंक गॉड जो बाकी के कपड़े थे वो मैंने रात में उठा लिए थे तो चलिए अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इस बॉक्स के अंदर मैंने ए मार्ट से क्या मंगाया था शायद आपको मैंने काफ़ी वीडियो में बताया था कि ए मार्ट क्या है ए मार्ट है जापान का आप बोल सकते हो कि फ़ैशन की जो चीज़ें होती है कपड़े हो गए या फिर जूते और स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती है सारी ए मार्ट को आप मिल जाएगी और ऑनलाइन भी इनका स्टोर है और इनके ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं और इनके बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं जैसे कि शिंदू या शिबुया में इक्करों में बड़े बड़े ए डी मार्ट के स्टोर होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको हर ब्रांड के स्पेसिफिक ब्रांड के लिए हर ब्रांड के जूते कपड़े आपको इनके स्टोर में मिल जाएंगे और अच्छी बात ये दोस्तों कि इनके स्टोर पे ना आपको डिस्काउंट इतने सारे मिलेंगे ना और अभी गोल्डन वीक आ रहा है तो गोल्डन वीक के अभी इनके स्टोर के ऊपर सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट हाँ दोस्तों सेवेंटी तो परसेंट डिस्काउंट इनके स्टोर पे चलते रहता है तो मैं वही कुछ अगर पसंद आकर मैं खरीद लेता हूँ तो ये है पहला बॉक्स हमने निकाला है बाहर ये है दूसरा वाला बॉक्स तो ये नाम पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा ये है कॉनमर्ट्स के शूज़ जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं मेरे पास अभी कॉन्वर्स के आई थिंक सात आठ शूज़ हो चुके हैं और ये जो कलर है ना वाह ये कलर मेरे पास नहीं था एक्चुअली ये, ये मुझे बहुत दिनों से ख़रीदना था और ये है कॉन्वर्स का येलो कलर का येलो है या मस्टर्ड है मुझे नहीं समझ ही आ रहा है ये येलो लग रहा है मुझे और ये है मेरे साइज ट्वेंटी एट इसको बाद में पहन के देखेंगे आपको ये बॉक्स के अंदर भी दिखा देता हूँ यह है फिला की चप्पल चप्पल नहीं थी मेरे पास में अभी समर आ रहा है ना वैसे तो एक चप्पल है जो कि विंटर के लिए है बट ये मैंने मंगाई है अभी समर के लिए हाँ दोस्तों आपको पता है लास्ट वीक हम बिग कैमरा गए थे वहाँ से हमने एक नया कैमरा बाय किया था ये वाला डी का जो कि अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है ये ऊपर मेमोरी कार्ड है और ये है डी जी आई पॉकेट थ्री जो कि मुझे भी अनबॉक्स करना है आज मैं इसको अनबॉक्स करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या आए हैं प्रोडक्ट्स और इसको यूज़ कैसे करना है मुझे पता नहीं इसको यूज़ कैसे करना है मैंने वीडियो में वगैरह देखा था बट एग्जैक्टली इसका यूज़ वगैरह आई डोंट नो तो आज हम ना इसको करेंगे अनबॉक्सिंग

घर का थोड़ा जो चेंजेस मैंने किया है पिछले एक दो वीक में कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन की है घर में जो कि मुझे आपको बताना है जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पेड़ घर में पेड़ ऑन अच्छी बात होती है तो मैंने क्या किया ना थोड़े जैपनीज स्टाइल के पौधे मैंने घर में ला के रखे हैं ये दो और एक ये वाला बट हुआ है दोस्तों कि आप जैसे देख रहे हो ये सूख रहे आई डोंट नो वाई मैं इसको पानी भी डाल रहा हूँ बट जैसे मैंने लाया ना तीन चार दिन बाद ये थोड़ा सूखना स्टार्ट हो गया तो अगर आपको पता है कि ये फूल सूख क्यों रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा साइड में हमारा छोटा सा मंदिर ये तो आपको पता ही है पहले तो ये साइड में था बट मैंने अभी इसको यहाँ पर कर लिया और ये भी सेक्शन ना बहुत ही मेसी था मेरे सारे बुक्स वगैरह यहाँ पे पूरी पड़ी हुई थी तो मैंने क्या किया ना सारा भी एकदम इसको ऑर्गेनाइज करके रखा यहाँ पे मेरे सारे बुक्स वगैरह और ये अभी जो करंट बुक अभी मैं पढ़ रहा हूँ अबाउट टू फिनिश है अभी ये ख़त्म होने के बाद में मैं, मैं निकालने वाला हूँ ये नेक्स्ट वाली बुक आपको बताऊँगा कौन सी है अगले वीडियो में और यहाँ पर ये यह है चेयर छोटी वाली जो कि कभी कभी यहाँ पे बैठ के अभी तो बारिश चल रही है बट अगर धूप वगैरह आएगी तो मैं इसको बढ़िया से खोल के यहाँ पर बैठ के बुक पढ़ के थोड़ा चिल आउट कर सकता हूँ और ये वाले बुक शेल्फ को भी मैंने थोड़ा अरेंज कर लिया है ठीक से और ये दो छोटे वाले पेड़ पौधे मैंने लाए जिसको पानी देने की जरूरत नहीं है ने दो दो तीन वीक में एक बार भी दो तो ये जिंदा रह सकते हैं और ये सारे मेरे यहाँ पे बुक कलेक्शन है यहाँ पर और थोड़ा चेंजेस मैंने बेडरूम में भी किया हुआ है अभी तो आपको लाइट ऑन करके बताता हूँ दिन में पर देखो पूरा अंधेरा है घर के अंदर तो यहाँ पर देखो ये मैंने अभी थोड़ा चेंजेस किया टेबल लिया थोड़ा साइड टेबल और ये एक छोटा सा लैम जो कि छः छः घंटे में ऑन ऑफ होते रहता है और काफ़ी डीम है और रात में सोने के लिए बढ़िया है छोटा सा परफ्यूम मैंने यहाँ पे लगा के रखा बेड साइड में और ये वाला जो बेड है थोड़ा नकली है तो इसमें इसको पानी डालने की ज़रूरत है नहीं तो ये है मेरा बेडरूम जो कि अभी मैंने काफ़ी हद तक इसको क्लीन करके रखा हुआ है और यहाँ पे साइड टेबल ये वाला और ये है किचन किचन में आपको कुछ पता चल रहा है कुछ चेंजेस किया है मैंने अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरा जो फ्रिज था वो पहले यहाँ पर था अब आप बोलोगे फ्रिज कहाँ पर गायब हो गया है तो फ्रिज है दोस्तों यहाँ पर अंदर यहाँ पर है फ्रिज क्योंकि जो अंदर स्टोरेज रूम था ना स्टोरेज रूम मैंने क्या कर दिया खोल दिया उसको यहाँ पे थोड़ा जगह खाली था तो मैंने क्या कर दिया ना ये जो मेरी नई कॉफी मशीन थी इसको मुझे जगह करना था तो थी नहीं तो मैंने यहाँ जो साइड का टेबल था वो यहाँ पर रख दिया और यहाँ का जो फ्रिज है वो भी अंदर रख दिया उसके ऊपर आप देख रहे हो ये है सारे फ्रिज मैगनेट ये जापान का है और जो बाकी है वो जो जितने कंट्रीज मैंने अभी तक ट्रैवल किया है उस सारे कंट्रीज़ के फ्रिज मैग्नेट मैंने इस फ्रिज पे लगा के रखे हैं और ये मुझे एक्चुअली सारे गिफ्ट करना है मेरे मॉम को मेरे मॉम ने अभी घर पे नया फ्रिज लिया है तो इस सारे जो फ्रिज मैग्नेट है आपको जल्द ही मेरे इंडिया वाले घर के फ्रिज पे दिखने वाला है किचन भी मैंने काफ़ी हद तक अब इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है थोड़े डब्बे वगैरह लाए थे मैंने और सारे मसाले वगैरह अभी इसके अंदर रख दिए और यहाँ पर अभी हमारा खाना बन रहा है बॉइल्ड खाना दोस्तों मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे मेरे शू कलेक्शन के लिए तो एक्चुअली शू मेरे पास काफ़ी सारे मुझे आपको बताना भी है कि मेरे पास कौन कौन से शूज़ है पर दिक्कत ये हो रही है कि मेरे जो सारे शूज़ है वो रखने के लिए मुझे जगह नहीं है यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे इतने पार्ट में मैंने शूज रखे हुए हैं ऊपर भी स्टोरेज है जिसमें मैंने सारे शूज़ मेरे लगा के रखे हुए है और यहाँ पर एक छोटा सा शू रैक है यहाँ भी मैंने सारे शूज रखे हुए हैं तो मैं भी क्या करने वाला हूँ ना मैं भी एक शू रैक बड़ा वाला लेने वाला हूँ जिसमें कि आई थिंक पंद्रह बीस पच्चीस जो शूज है रख सकते हैं तो वो मैं शू रैक जल्दी ही खरीदने वाला हूँ और वो खरीदने के बाद सारे शूज मेरे उसके अंदर रखने के बाद में आपको मेरा जो शू कलेक्शन है वो बताने वाला तो प्लीज़ थोड़ा देर और वेट करिएगा मैं आने वाले कुछ वीडियो में ज़रूर मेरा जो शू कलेक्शन है वो आपको बताऊँगा बन गए दोस्तों हमारे जैपनीज़ राइस और ये जो आप देख रहे हो चम्मच ये स्पेशल यूज़ करते हैं इस कुकर में से राइस निकालने के लिए और ये बटन दबाने के बाद में ये कुकर खुलता है और ये देखिए कितना बढ़िया सा स्टीम आ रहा है और ये जो राइस है ना आपको थोड़ा मैं बाहर निकाल के बताता हूँ हमारे इंडियन राइस खुले खुले होते हैं ना ये वाले राइस देख लो इस तरीके से स्टिकी राइस होते हैं तो जापान में आप कहीं भी राइस देखोगे ना तो इस तरीके से स्टिकी ही राइस बनने वाले हैं तो लोग यहाँ पे इसलिए इसको चॉपस्टिक से खा पाते हैं अभी मुझे दोस्तों जाना था सुपर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए बट अभी भी बारिश चल रही है मुझे लगा था रुक जाएगी बट चल रही है बहुत ज़ोरों से और यहाँ पर देख रहे हो आप ये मेरे प्लेट्स है बार बेल लंबा पड़ा है यहाँ पे और सारे जिम के प्लेट्स हैं क्योंकि मेरा जो पुराना घर था ना वहाँ पे मेरा एक जो बेडरूम था वो मेरा सिर्फ़ जिम था वहाँ पर मैं पूरा जिम बना के रख दिया था और ये घर जो है ये थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर मैं ये वेट यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि अगर नीचे गिरा तो मेरा फ्लोर ही टूट जाएगा तो मुझे एक्चुअली इसको भी फेंकना है या फिर अगर किसी को चाहिए तो मैं दे भी सकता हूँ बट पता नहीं अभी कौन यहाँ पे इसको लेने वाला है तो मैं भी शायद इसको अभी गारे हुई मुझे मुझे खुद को पैसे दे के ये फेंकना पड़ेगा तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये यह पीछे पेड़ है अंकल का किसी का गिर चुका है काफ़ी बड़ा पेड़ है ये यहाँ भी किसी का घर है देखो शटर लगा हुआ है यूजली ना जापान में जितने भी घर होते हैं वहाँ पे पीछे के साइड में हमारा होता है ना कि दरवाजा होता है यहाँ पे शटर होता है ना तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे एक कांच का दरवाजा होता है फिर उसके बाद में एक जाली होती है और उसके बाद शटर होता है ना जब अगर हवा बहुत ज़ोर से आ रही है यहाँ पे टाइफून अगर आते रहते हैं ना तो एक शटर भी देते हैं हर घर में क्योंकि मेरे घर में भी शटर है देखना आपको बताता हूँ मुझे देखो ये शटर देख रहे हो आप अंदर भी दरवाज़ा है बट शटर भी है क्योंकि यहाँ पे जो टाइफून आता है ना वो बड़ा गंदा हो जाता है चलिए जाते अंदर अभी बाहर जाके तो कोई मतलब है नहीं शाम को थोड़ा बारिश रुके तब हम जाएंगे मुझे आपको एक किस्सा बताना है जापान का मैं न्यूज़ पढ़ रहा था शायद आपको भी पता चल गया होगा अभी तक लास्ट वीक की बात है शिंका सिने आपको बताया जापान का सबसे फास्ट ट्रेन है और वो ओसा का है वो साइड में चल रहा था और उस ट्रेन के अंदर निकला दोस्तों सांप हाँ <laughs> आप बिलीव नहीं कर पाओगे बट यहाँ की बुलेट ट्रेन में जो कि तीन किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है उसके अंदर सांप निकला वो किसी पैसेंजर को दिख गया उसने स्टेशन स्टाफ को बताया कि भाई ये ट्रेन के अंदर सांप है तो उस ट्रेन को रोक दिया गया आपको पता है कि जापान में कोई भी ट्रेन यहाँ पे डिले नहीं होती है यहाँ पे जो मिनिमम डिले एवरेज डिले टाइम है तो उसको पता है आपको दो सेकंड का यानी पूरा एवरेज जो है साल भर का वो सिर्फ दो सेकंड का डिले टाइम है तो ये जो शींकान सेन बुलेट ट्रेन थी इसके अंदर जो सांप निकला उस वजह से वो ट्रेन को 17 मिनट तक रोका गया पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बजाय जो दूसरी ट्रेन है शींकान वो फिर उसमें सारे पैसेंजर को भेज दिया गया तो इस ट्रे इस सांप की वजह से छः सौ लोगों का जो टाइम था वो खराब हो गया सत्रह मिनट खराब हो गया और वो सांप का ब्रीड वगैरह था वो पता नहीं चला और वो सांप किसने डाला या खुद से आया वो भी कुछ अभी पता नहीं चला है बट देख रहे हो आप जापान में ऐसे भी किस्से होता है और ये जो दोस्तों सांप का किस्सा है ना ये विदेश में तक आता पहुंच चुका है विदेशों के न्यूज चैनल में न्यूज पेपर में ये न्यूज आ रही है कि जापान के सिंकान सेन में सांप निकला है देख रहे हो आप जापान में ये किस्से बहुत बहुत रेयर होते हैं और जब भी होते हैं ये इंटरनेशनल न्यूज बन जाते हैं चलिए दोस्तों बाहर तो भी हम जा नहीं पाएंगे अभी वापस में बैठ गए ऑफिस का काम करने के लिए तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर